देख अच्छा बच्चों, तो एक क्वेश्चन करते हैं ट्राई, एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। फाइंड, क्वेश्चन वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्स इजिकल्स टू ए रूट थ्री बाय टू एंड टी इजिकल्स टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थोड़ा खतरनाक कर देते हैं, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जल्दी बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। पहली बात, सबसे पहले दो तरीके अभी पार्टीशन में लिख देता हूं। पहला तरीका तो मैंने बोला था कि आप सीधा लिखोगे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, टी की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे और x की वैल्यू पुट कर दोगे रूट थ्री बाय टू ए इज इक्वल टू ए साइन फाई नोट। समझ में आया? आया नहीं आया? तो यहां से आप साइन फाइन आउट की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगी साइन फाइन आउट की वैल्यू। मैंने फिर से बताया था फाइन आउट की रेंज कहां से कहां तक होनी चाहिए, जीरो से टू पाई। तो यहां से साइन फाइन आउट की वैल्यू, जो फाइन आउट की वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाय सिक्स और फाइव पाई बाय सिक्स। समझ में आया? हाँ, जीरो से टू पाई के बीच में यही दो वैल्यू आएंगी। फिर उसके बाद में आप कि सर पार्टिकल है जो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, साइन रूट थ्री पाई बाय थ्री, सॉरी करेक्ट करेक्ट पाई बाय थ्री, पाई बाय सिक्स ध्यान आ गया, पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री, और ये क्या आएगा दूसरा पाई माइनस पाई बाय थ्री, दैट इज वी कैन से टू पाई बाय थ्री, ठीक है ना। हा अब बच्चों दूसरा, यहां पे दो सॉल्यूशन तो होंगे नहीं, तो आप बोलोगे पार्टिकल, ये दो सॉल्यूशन इसलिए आई है क्योंकि पार्टिकल इस पोजिशन पे दो बार रहता है, एक तो बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, है ना। जाते टाइम हुआ तो उसका फेज आएगा जीरो से पाई बाय टू के बीच में, और आते टाइम स्टार्ट हुआ यहां से, मतलब यहां से इधर आ रहा हो, यहां से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, तो उसका फेज इनिशियल फेज आएगा पाई बाय टू से पाई के बीच में। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, जा रहा है या आ रहा है, जल्दी बताओ पार्टिकल क्या कर रहा है, जा रहा है या आ रहा है। अरे मेन क्वेश्चन की तरफ आ रहा है ना, दिस इज द सेकंड कंडीशन, तो फेज शुड बी लाइंग बिटवीन पाई बाय टू एंड पाई, कौन सी वैल्यू पाई बाय टू और पाई के बीच में लाई कर रही है, दैट इज टू पाई बाय थ्री, देन वी विल से टू पाई बाय थ्री इज द आंसर। समझ में आया? अब आ जाओ आगे और चीजें देखते हैं। सेकंड मेथड क्या था, मैंने आपको बताया था फाई नोट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स नोट बाय ए, तो फाई नोट की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स एक्स नोट की वैल्यू क्या है, एक्स नोट की वैल्यू ये, जब टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल होता है उस वैल्यू को बोलते हैं हम एक्स नोट, एक्स की वो वैल्यू जब टी इज इक्वल टू जीरो, तो हम लिखेंगे रूट
by 2 a upon a, a ने a को मार दिया, phi नोट की वैल्यू होगी साइन इनवर्स रूट 3 by 2, समझ में आया आया क्या? फिर से हम बोल देंगे ये वैल्यू जाती कब कब, ये वैल्यू जाती है पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3 पे। फिर आप बोलोगे पार्टिकल 0 से, या मैं बोलूंगा पार्टिकल 0 से a की तरफ जा रहा होगा तो हमारा सॉल्यूशन कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई बाय 2 के बीच में और a से 0 के बीच में, या मैं बोलूंगा मेन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा तो हमारा सॉल्यूशन आएगा पाई बाय 2 से 0, समझ में आया? सॉरी पाई बाय 2 से पाई, फेज आएगा हमारा पाई बाय 2 से पाई। तो राइट आंसर इज दिस, फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड ये हो गया। डायरेक्टली करना हो तो सीधा ऐसे कर लिया करो, कई बार बच्चे इनवर्स समझ के अटक जाते हैं क्योंकि इनवर्स तुमने तो देखा हुआ नहीं है, जेई के बच्चे तो फिर भी कर लेते हैं। तो आप ऐसे लिख लिया करो फाइ नोट इज टू साइन इनवर्स ना करके, साइन इनवर्स को इधर लेके आओगे तो साइन बन जाएगा, तो आप लिख लिया करो साइन फाइ नोट इज टू एक्स नोट बाय ए, ऐसे सोल्व कर लिया करो, फिर फाइ नोट की वैल्यू निकाल लिया करो। याद रखना फाइ नोट की केवल वही फाइ नोट की जो वैल्यू जाएंगी वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगी, ठीक है? तो इन चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है आपको, समझ में आया नहीं है? हाँ, अब बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं तो एक थोड़ा सा मतलब सेपरेट टाइप है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। आपसे बोल दिया जाए कि बताओ बताओ एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन ये है 3+4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 है ना। और अब आपसे उल्टा, अभी ये भी छोड़ो और अच्छे से करेंगे। इसमें उल्टा भी तो पूछ सकता था आपसे, आपसे बोल दिया जाए देखो यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन ये बनेगी, यहीं पे देख लो बच्चों एक बार, x इज टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइन नोट, फाइन नोट की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय 3, तो आप लिख लोगे पाई बाय 3। आपसे इसका उल्टा भी तो पूछ सकता है, उल्टा क्या पूछेगा देखो, बोल देगा कि एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन ये है जो SHM कर रहा है a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, तो उसका मोशन आप रिप्रेजेंट करके बताओ इस लाइन पे, इस लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताओ उसका मोशन कि वो कहां से स्टार्ट हुआ था, t इज टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था, ये रिप्रेजेंट करके बताओ। फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज टू 0, फाइंड पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज टू 0। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो ये उल्टा भी तो पूछ सकता है, तो आप क्या बोलोगे, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि फेज अगर 0 से पाई बाय 3 के बीच में, फाइन नोड देखना है आपको, बस सिर्फ फाइन नोड, फाइन नोड देखते ही आपको समझ जाना है कि पक्का पार्टिकल 0 से पाई बाय 3 ये किसके बीच में, सॉरी ये फाइन नोड है इनिशियल फेज, ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में या पाई बाय 2 से पाई के बीच में, किसके बीच में लाई कर रहा है जल्दी बताओ।
आप बोलोगे जीरो से पाई बाई टू, मतलब पार्टिकल पक्का इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर पार्टिकल का फेज जीरो से पाई बाई टू के बीच में आता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है, याद रखना। और पार्टिकल अगर पाई बाई टू से जीरो पाई के बीच में होता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है, याद रखना। और इन दोनों ही सिचुएशन में पार्टिकल जीरो से ए के बीच में होता है, ना कि जीरो से माइनस ए के बीच में। तो आप पहले तो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करोगे तो आप टी इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे। फिर आप बोलोगे पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ था टी इज इक्वल टू जीरो पे, दैट इज पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ था। फिर आप बोलोगे पार्टिकल का फेज है जो फाइन हो दैट इज लाइज बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, पक्का वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा हो। उल्टा भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, अरे उल्टा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, इक्वेशन ऑफ मोशन दे दे रिप्रेजेंट करना, पूछ ले कि बताओ पार्टिकल किधर जा रहा है, जीरो से ए की तरफ, जीरो से माइनस ए की तरफ, माइनस ए से जीरो की तरफ, या ए से जीरो की तरफ, पूछ सकता है। तो आप सोल्व कर लोगे, अच्छी बात है। फिर उसके बाद में बच्चों आपसे और चीजें क्या पूछ लेगा, मान लो आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे ना देके कुछ अलग तरीके से दे दी जाए, एक्स इज टू थ्री प्लस फोर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री, आपसे बोले प्लॉट द मोशन ऑफ पार्टिकल, प्लॉट द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन द नंबर लाइन। प्लॉट द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन द नंबर लाइन, समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है। तो आप क्या करोगे, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, देन फर्स्ट यू हैव टू टेक माइनस थ्री, सॉरी थ्री अलोंग राइट साइड। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि एग्जैक्टली मोशन ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन तो ये, अरे ये है या नहीं, है ना? तो आप एक नंबर लाइन सिस्टम बना लोगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस फाइव माइनस सिक्स, समझ में आया? ये नंबर लाइन सिस्टम बना लिया। अब आप देखना पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो आप टी इज इक्वल टू जीरो जब पुट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री प्लस फोर साइन पाई बाय थ्री, है ना? दूसरा, पार्टिकल की मीन पोजीशन क्या होगी? तो मीन पोजीशन के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी कांस्टेंट है वो इस साइड लेके चले जाओ और उसको जीरो के साथ इक्वेट कर दो। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज द मीन पोजीशन, समझ में आया? जो भी कांस्टेंट है वो राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जाओ, उसको जीरो के साथ इक्वेट कर दो, जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज द मीन पोजीशन। समझ में आया नहीं आया?
अरे आया ना, बिल्कुल। दूसरी बात कि पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पे कहां पे था, पोजीशन। तो आप लिखोगे टी इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में, समझ में आया नहीं आया। ये आ जाएगी लगभग लगभग 3 × 2 × 1.732, दैट इज 3 + 4 = 6, 4 point। दिस आप इसको लिख दोगे 6.464। दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, समझ में आया। अब ये इधर जा रहा था या इधर जा रहा था टी इज इक्वल टू जीरो पे, वो और ऑब्जर्व करना है हमें। ये तो पता लग गया टी इज इक्वल टू जीरो पे यहां पे था। फिर हमारे दिमाग में आया कि ये पाई बाय थ्री है। पाई बाय थ्री मतलब गोइंग अवे फ्रॉम, जीरो से पाई बाय टू के बीच में आएगा ना पाई बाय थ्री। इट मींस मूविंग फ्रॉम जीरो टू, या मैं बोलूंगा मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन। तो अवे फ्रॉम मीन पोजिशन, समझ में आया आया नहीं आया। आपसे बोल देगा बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जब आप लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजिशन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन इज व्हाट, 6.464 - 3। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एक्स माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजिशन। तो डी इज इक्वल टू 6.464 - 3, दैट इज 3.464। समझ में आया, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो बच्चों जब भी ये ऐसे क्वेश्चन आए आपके सामने कि आपसे पार्टिकल की इक्वेशन दी जाए नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंट करो, या आपसे पार्टिकल की पोजीशन दे दी जाए कहीं पे भी, है ना, समथिंग वॉट एवर, तो आपको सोल्व करने का तरीका बता देता हूं। लिख लो स्टेप्स, क्या स्टेप यूज करोगे। नंबर वन, जब आपको इक्वेशन दी गई होगी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन होगी, या आप लिखोगे पहले अपने मर्जी से कि ये पार्टिकल होगा ये ऐसी इक्वेशन फॉलो करेगा तभी तो एसएचएम करेगा, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। फिर आपको क्या करना है कि पार्टिकल की इनिशियल पोजिशन क्या होगी, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप याद रखना, ये तो इक्वेशन लिख ली, फिर सेकेंड स्टेप क्या करना है, पुट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे ना, देन यू विल गेट द इनिशियल पोजिशन ऑफ पार्टिकल, देन यू विल गेट इनिशियल पोजिशन ऑफ पार्टिकल। समझ में आया। थर्ड, ध्यान से देखना, हमारे पास इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू ए साइन
वी इज द स्टूडेंट, यही होती है ना वेलोसिटी की इक्वेशन, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव ओ, आपको पहले क्या करना है, पुट टी इज इक्वल टू जीरो, देन यू विल गेट द पोजिशन, देन यू विल गेट द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फाई नोट की वैल्यू निकालनी, किसकी, फाई नोट की वैल्यू, फिर फाई नोट की वैल्यू आपके पास आएगी, उसकी रेंज होगी जीरो से टू पाई के बीच में, मान लो एक आ गई आपके पास वन और एक आ गई टू, ठीक है। फिर आपको देखना है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव दी जाती है तो फाइव वन और फाइव टू किस पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरी पे नेगेटिव होगी। तो यहां पे अगर पॉजिटिव वेलोसिटी दी गई है तो पॉजिटिव वाला फाइव नोट आपका आंसर होगा, विल बी द आंसर ऑफ इनिशियल फेज। समझ में आया, आया नहीं आया, बिल्कुल। दूसरा तरीका, डायरेक्ट आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, सीधा का सीधा लिख देना है साइन फाइव नोट इज इक्वल टू एक्स नोट बाय ए, फिर फाइव की वैल्यू आएगी फाइव वन फाइव टू, वो कहां से कहां के बीच में होगी, जीरो से टू पाई के बीच में, जीरो से टू पाई के बीच में होगी। तो फिर आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यू हैव टू चूज वन फाइव वैल्यू, कोई भी वैल्यू चूज कर लेना भाई। अगर आपकी वेलोसिटी इधर दे रखी होगी तो आप जीरो से फाइव बाई टू के बीच में जो वैल्यू आएगी उसको चूज करोगे, या जिस पे, जिस फाइव पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसको चूज करोगे। अगर आपकी यही पोजिशन पे वैल्यू इधर दे रखी होगी वेलोसिटी नेगेटिव, तो जिस फाइव पे वैल्यू नेगेटिव आए वो चूज करोगे इनिशियल फेज के तौर पर। समझ में आया, आया ना, हाँ। अब बच्चों सामने और अच्छे से चलते हैं आगे, कुछ और चीजें करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो ना, हाँ आ जाओ। तो अब कुछ नए तरीके के क्वेश्चन पकड़ते हैं, ठीक है, हाँ आ जाओ भाई। मान लो आपको बच्चों क्वेश्चन देखना, ए की वैल्यू दे दी जाए माइनस फोर एक्स, ए मतलब एक्सेलरेशन ए, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैपिटल ए की वैल्यू दे दी जाए फाइव मीटर, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए बच्चों ध्यान से सुनना अच्छे से, आपसे बोल दिया जाए पार्टिकल t इज इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यू जीरो थी, t इज इक्वल टू जीरो पे क्या थी, x की वैल्यू जीरो थी। क्वेश्चन सुन लो बच्चों, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स दे दिया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू फाइव मीटर, टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू जीरो है,
आपसे बोल दिया राइट डाउन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। जल्दी बताओ, शाबाश। इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है बच्चों, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है वो लिखनी। फिर आपको फाइन नोट की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स की जो वैल्यू होती है उसी को तो क्या बोलते हैं, एक्स नोट। तो आप लिखोगे साइन फाइन नोट इक्वल टू जीरो बाय ए, तो आप लिख दोगे फाइन नोट इक्वल टू जीरो। समझ में आया, आया नहीं आया, आया ना। दूसरी बात देखना ध्यान से, ये इक्वेशन है आपको कंपेयर करनी है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी या नहीं आएगी। अरे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर कर लो टू, तो आपके सामने ओमेगा की वैल्यू आ गई टू, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर इज टू फोर, देन ओमेगा इज टू टू, याद रखना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, एक्स इज टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइव साइन ओमेगा की वैल्यू टू इंटू टी प्लस जीरो, तो आप लिख दोगे एक्स इज टू फाइव साइन टू टी। समझ में आया नहीं आया बच्चों, आया क्या, अरे आया नहीं आया। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी पार्टिकल की। एक और ऐसा क्वेश्चन करोगे, करोगे क्या, आ जाओ तो लिखो सेकेंड क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू माइनस नाइन एक्स, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर मीटर। टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की पोजीशन है एक्स इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर। फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। Find equation of motion of the particle performing SHM. शाबाश, बताओ बच्चों, अरे सोल्व करो। आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन लिखनी है पहले,
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। यहां से पहले हम क्या निकालेंगे, फाइव नोट की वैल्यू। साइन फाइव नोट की वैल्यू क्या होती है, एक्स नोट बाय ए। एक्स नोट की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, एक्स नोट की वैल्यू क्या है यहां पे, टू। ए की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, देखो ध्यान से, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो है, एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर मीटर पे। इससे बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल वेलोसिटी जीरो कहां पे करता है, एक्सट्रीम पोजिशन पे। ठीक है कर दूंगा, साक्षी कर दूंगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो कहां पे होती है, एक्सट्रीम पोजिशन पे। तो आपको एक क्ल्यू मिल गया कि ये जो वैल्यू है एक्स की वो ए के बराबर है। तो आपको यहां से ए की वैल्यू मिल गई, ए इज इक्वल टू फोर मीटर। तो यहां पे पुट कर दोगे तो फाइव नोट की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय सिक्स और फाइव पाई बाय सिक्स। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आप निकालोगे तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसको कंपेयर करो, ओमेगा की वैल्यू आएगी थ्री। तो आप लिखोगे एक्स इज इक्वल टू फोर साइन थ्री इंटू टी प्लस फाइव नॉट की वैल्यू। देखो बच्चों, आपको कोई डायरेक्शन नहीं बता रखी, आपको कोई डायरेक्शन नहीं बता रखी कि पार्टिकल की एग्जैक्टली वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, टी इज इक्वल टू जीरो पे है ना। अब ध्यान से देखना आप लोग, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल टू सेंटीमीटर पे है। यस गुड, पार्टिकल यहां पे है टू सेंटीमीटर पे। SHM रिप्रेजेंट करोगे आप नंबर लाइन पे, आपको पता है माइनस फोर से प्लस फोर के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे टू सेंटीमीटर पे। बट क्या आपको वेलोसिटी बता रखी है कि वो इधर जा रहा है या इधर, नहीं बता रखी ना बच्चों, बता रखी है क्या, नहीं बता रखी ना। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू फोर साइन थ्री इंटू टी प्लस फाइव बाय सिक्स एंड एक्स इज इक्वल टू फोर साइन थ्री इंटू टी प्लस फाइव पाई बाय सिक्स। समझ में आया, दो सॉल्यूशन होंगे इस क्वेश्चन के। अगर वो वेलोसिटी मेंशन करता तो उसके अकॉर्डिंग फिर एक सॉल्यूशन ले लेते हैं हम इन दोनों में से। अगर ये बोलता वेलोसिटी ये है तो हमारा आंसर ये होता, अगर ये बोलता वेलोसिटी ये है तो हमारा आंसर फिर ये होता। समझ पा रहे हो बात, अरे उसने मेंशन नहीं की ना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बच्चों, अरे उसने मेंशन किया क्या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अरे किया है नहीं किया है, अरे बताओ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप लोग कर सकते हो कि यहां पे सर जीरो से पाई दो फेज डिफरेंस हो गए तो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा फाइव साइन टू इंटू टी प्लस फाइव, क्योंकि उसने डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं रिप्रेजेंट किया कि फाइनली पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो से इधर स्टार्ट हो रहा है जाना या इधर जा रहा है। तो ये दो सॉल्यूशन होंगे, नहीं आया बच्चों, अरे मैं मीटर बोल रहा हूं, मीटर लो भाई, मैं मीटर बोल रहा हूं यहां पे लो, बस कन्वर्जन छोड़ो आप, मीटर बोल दिया आप खुश हो, कईयों को कंफ्यूजन। बच्चों जो मैंने x इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर लिखा था ना इससे पीछे वाले क्वेश्चन में,
उसको मीटर ले लेना, चाहे दोनों को सेंटीमीटर लिख लेना चाहे दोनों को मीटर, पर सेम यूनिट लिखना याद रखना। बस यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, अरे कल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हाँ तो आ जाओ, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा ग्राफ्स के ऊपर फोकस करते हैं। किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर। अभी तक बेसिकली हमें कॉन्फिडेंस ही होना हो जाना चाहिए कि हमें कोई अगर x की पोजीशन दे दे, x की वैल्यू दे दे और वेलोसिटी की डायरेक्शन दे दे, t इज इक्वल टू जीरो पे, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, हाँ कि ना। अरे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, हाँ। और ये दोनों चीज दे दे तो ये निकाल सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन दे दे तो पोजीशन भी निकाल सकते हैं t इज इक्वल टू जीरो पे, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं t इज इक्वल टू जीरो पे। इतना समझ में आया? यस, ठीक है, हाँ। अब बच्चों हम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ किस किस का, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। ग्राफ किस किस का पढ़ेंगे? देखो एक्स टी, वी टी, ए टी, ठीक है। दूसरा ए एक्स, वी एक्स और ए वी, छह ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। तो पहले आसान आसान बना लेते हैं जिसके साथ तुम फेमिलियर भी हो, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। देखो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। हम ग्राफ उसका बना रहे हैं जब पार्टिकल t इज इक्वल टू जीरो पे मेन पोजीशन पे है, मतलब फाई नोट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा ध्यान से देखना। ये प्लस a है और ये माइनस ए, समझ में आया? तो ये पाई बाय टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाय टू, ये टू पाई, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अरे साइन का ग्राफ तो पता है ना, ये x है और ये t है, पुट कर करके देख लेना, t की वैल्यू जब पाई बाय टू पुट करोगे, सॉरी किसकी, ओमेगा t की, जब ओमेगा t की वैल्यू जब पाई बाय टू पुट करोगे तो ये ग्राफ आएगा आपका, ठीक है, समझ में आया। ओमेगा t की वैल्यू ये होनी चाहिए। कई बार बच्चे पूछते हैं सर t का क्या पुट करें, फिर तो t का पुट कर लो, क्या दिक्कत है, आप लिख लो ओमेगा t इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय टू, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इंटू टू पाई, सॉरी ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, टू पाई बाय टी, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, टी की वैल्यू आएगी टी बाय फोर, कैपिटल टी बाय फोर, समझ में आया। अगर आप इसको t मानोगे टी बाय फोर, फिर पाई पे क्या आएगा, ओमेगा t की वैल्यू जब पाई आएगी तो t की वैल्यू क्या आएगी, पाई, t की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना,
ओमेगा टी की वैल्यू जब पाई होगी तो टी की वैल्यू क्या होगी, टू पाई बाय टी इंटू टी इक्वल्स टू पाई, तो टी की वैल्यू होगी टी बाय टू, तो यहां पे लिख दोगे टी बाय टू। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, थ्री टी बाय फोर, यहां पे आएगा टी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना इन चीजों को। अब देखते हैं वी टी का ग्राफ बनाएंगे हम, तो वी का क्या आएगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। वही कंडीशन ले लो, टी इज इक्वल टू जीरो पे मान लो पार्टिकल मीन पोजिशन पे था, तो फाइव नोट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। समझ में आया, हाँ। ये आएगा प्लस ए ओमेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये माइनस ए ओमेगा, यहां पे साइन की जगह कोस आएगा, आप याद दिला दिया करो, तुम पागल लड़के हो गया, अरे पागल हो गया। ये होता है ना वी का टी के साथ रिलेशन, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी फाइनली ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, टी इज इक्वल टू ये वी है और ये टी है, टी इज इक्वल टू टी बाय फोर पे, टी इज इक्वल टू टू टी बाय फोर मतलब टी बाय टू, और ये टी इज इक्वल टू थ्री टी बाय फोर मतलब समझ गए होंगे आप, और ये टी इज इक्वल टू फोर टी बाय फोर मतलब टी। कोस का ग्राफ कैसे आएगा जल्दी बताओ, कोस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, पीक से, टी बाय फोर पे क्या हो जाएगा जीरो, यहां से फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ग्राफ हो जाएगा आपका किसका, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ठीक है समझ में आया नहीं आया, उसके बाद में बच्चों आता है एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। जब टी इक्वल टू जीरो होगा तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे हुआ तो फाई नोट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, तो इक्वेशन बन जाएगी ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। समझ में आया, हाँ। अब इक्वेशन देख लो और क्वेश्चन कर लो, फिर से ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, टाइम की वैल्यू पुट कर दो यहां पे टी बाय फोर, टू टी बाय फोर, थ्री टी बाय फोर, फोर टी बाय फोर, ठीक है ना। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बच्चों क्या ग्राफ तो साइन जैसा ही बनेगा ना, साइन जैसा ही बनेगा ना, बेस्ट तो फिर क्या है, टी की वैल्यू पुट करते जाओ, ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करनी है, टू पाई बाई टी, और फिर टी की वैल्यू पुट करते जाओ, ये टी की वैल्यू स्मॉल टी की वैल्यू पुट करोगे तो पहले टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा, ए की वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू टी इज टू जीरो करोगे तो साइन जीरो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन जीरो आएगा यहां पे, फिर टी बाय फोर पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर टू टी बाय फोर पे जीरो हो जाएगा, थ्री टी बाय फोर पे मिनिमम हो जाएगा नेगेटिव, फोर टी बाय फोर पे यहां पे। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, समझ में आया, हाँ। याद रखना एक चीज, दिमाग में रखना और तुम्हें ये देख भी लेनी है, देखो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सेम फेज में, दोनों का एक जैसा ग्राफ दिख रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सेम फेज में, दोनों दिख रहा है क्या, बेस्ट तो फिर क्या दिक्कत है।
समझ में आया? आया क्या? नहीं, चीजें यहीं पे दिमाग में लगानी, कई बार बच्चे यहीं पे दिक्कत कर जाते हैं। ग्राफ जो है वो ए नहीं आएगा, पुट कर करके देखो और सारी चीजें सोल्व करके देखो। मैं यही चेक करना चाह रहा था भाई, तुम नीट के हो, नीट के देख लो, तुम ये गड़बड़ करोगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखो एक बार पुट कर करके सोल्व करेंगे, आ जाओ तुम्हारे साथ, आ जाओ। टी इज टू जीरो पुट करो, ए की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। टी इज टू क्या पुट करोगे? टी बाय फोर। ए की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन टू पाई बाय टी इंटू टी बाय फोर। तीन टी को मार दिया, क्या बचा? टू से टू गया, तो एक माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई बाय टू, तो वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? टी इज टू जीरो पे तो मैं बोलूंगा एक्सेलेरेशन की वैल्यू थी जीरो, टी इज टू टी बाय फोर पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ रही है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और टू टी इज टू टू टी बाय फोर पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी वो देखते हैं, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन टू टी बाय टू पाई बाय टी इंटू टू टी बाय फोर, ठीक है, सोल्व करो। टी से टी गया, फोर से फोर गया, ये क्या बचा? ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू आती है जीरो, तो एक्सेलेरेशन हो गया जीरो, तो मैं लिखूंगा टी इज टू टू टी बाय फोर पे एक्सेलेरेशन हमारा आ गया जीरो। अब आगे सोल्व करें तो अब पुट करो आप लोग टी इज टू थ्री टी बाय फोर साइन, टी इज टू कितना? थ्री टी बाय फोर। पुट करो, शाबाश, टी इज टू थ्री टी बाय फोर ए साइन, सॉरी इक्वेशन, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन टू पाई बाय टी इंटू थ्री टी बाय फोर, सोल्व करोगे तो आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन थ्री पाई बाय टू, इसकी वैल्यू आएगी ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का साइन थ्री पाई बाय टू की वैल्यू को क्या लिखोगे? साइन पाई प्लस पाई बाय टू, तो लिखोगे इसका सोल्व करोगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन पाई बाय टू, तो ये आ जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? तो ध्यान से देखना, टी इज टू जीरो पे तो जीरो, टी इज टू टी बाय फोर पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और टी इज टू टू टी बाय फोर पे फिर से जीरो, फिर टी इज टू थ्री टी बाय फोर पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर टी इज टू जब आप कैपिटल टी पुट करोगे तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी जीरो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया? अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। देखो एक्स इज टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, और v इज टू ए कोस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको मैं साइन का फंक्शन बनाने के लिए क्या लिख सकता हूं? कोस पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, यही लिख सकता हूं ना, अरे लिख सकता हूं ना, कोस पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूं ये, अरे लिख सकता हूं क्या, चीजें समझनी है वही अच्छे से लिखना है। कोस ओमेगा टी कब आएगा? कोस ओमेगा टी दो तरीके से आता है, एक तो मैं लिख दूं
साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी, तब भी कोस ओमेगा टी आएगा। एक मैं लिख दू साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, तब भी कोस ओमेगा टी आएगा। दोनों का सॉल्यूशन समझ में आया? तो चाहे आप कुछ भी लिखो, ए ओमेगा साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी, ठीक है, या साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। मैं आपसे बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ग्राफ में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस आता है, एम आई करेक्ट और नॉट? आता है या नहीं आता है? देखो, अब देखो दोनों ग्राफ साइन के बन गए, फेज डिफरेंस क्या है दोनों का? अरे इसके फेज में से इसका फेज घटा दो या इसके फेज में से इसका फेज घटा दो, टोटल फेज कंप्लीट फेज फाइव, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है पाई बाय टू का। अब एक्सेलेरेशन का देखो, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इसको आप फर्दर क्या लिखोगे, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस, ध्यान से देखना, इस माइनस को मैं अंदर भी डाल सकता हूं, इस माइनस को मैं अंदर डाल रहा हूं, साइन माइनस ओमेगा टी लिख दू, कोई दिक्कत नहीं ना? या फिर मैं इसको ऐसे लिख दू, आपको बताना है कि क्या ये दोनों सही है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी, क्या इसकी वैल्यू भी यही आएगी पाई प्लस ओमेगा टी? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो बाहर आ जाएगा साइन नेगेटिव ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, हाँ कि ना? अरे सुना है ये, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आप इसको साइन के फॉर्मेट में रखो और पॉजिटिव रखो, तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी ऐसे लिख दो। अब आप ध्यान से देखना, क्या क्या अगर मैं ओमेगा को पॉजिटिव लिख दूं तो इसके इसके बीच में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है या नहीं है? अरे है ना, अरे है ना, इसका फेज और इसका फेज घटा के देखो क्या आएगा, पाई प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी, ये डेल फाई आ जाएगा, इसका टोटल फेज माइनस इसका टोटल फेज, ये फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई बाय टू, ऐसे इसका टोटल फेज माइनस इसका टोटल फेज, ये फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई बाय टू, तो इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा, वो पाई आएगा, हाँ कि ना? देख लो, ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी पाई बाय टू, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पाई बाय टू, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दैट इज पाई। समझ में आ गया? अरे आ गया ना, तो आपसे पूछे कि वेलोसिटी कितना लीड करती है डिस्प्लेसमेंट से, तो आप बोलोगे पाई बाय टू, आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन कितना लीड करता है, वेलोसिटी लीड करती है डिस्प्लेसमेंट से पाई बाय टू, एक्सेलरेशन लीड करता है वेलोसिटी से पाई बाय टू, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से लीड करते हैं पाई। आ गया नहीं आ गया? बच्चों पता चला? बस तो फिर क्या दिक्कत है, कर लोगे ना आप तो? हाँ, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2
थ्री, आई रिपीट, वन टू थ्री फोर, समझ में आया? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा सभी को? आ रहा है ना? हाँ, अच्छी बात है। ओके बच्चों, बाय सभी को, बाय एवरीवन।